हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बड़े अच्छे फ्लैट के इंटीरियर की वीडियो। आज मैं आया हूँ अनामिका अपार्टमेंट सेक्टर 4, F2 फ्लैट नंबर है। आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस, 3.5 साल के एक्सपीरियंस में एक अच्छा और एक काफ़ी अच्छी फ्रेशिंग डिज़ाइन के साथ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और एक हर एक पल में आपको कुछ नयापन आपके इंटीरियर से रिलेटेड मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर के साथ। तो एक्सटीरियर के अंदर नॉर्मल टाइल्स ना लगा के प्रॉपर वुडन को यूज़ करके एक अच्छी लकड़ी की पीयू फिनिशिंग शाइनिंग के साथ आपको जो मज़ा आने वाला है वो एक अलग ही लुक है, ये अलग ही इंटीरियर है। नेम प्लेट की बात करें तो प्रॉपर आपके फ्लैट नंबर को एक अच्छे मेटल ब्लॉक्स में डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आपको नॉर्मल फ्लैट से या नॉर्मल इंटीरियर से कुछ अलगपन दिखाई देगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मेन गेट की तरफ। तो मेन गेट के अंदर वही आपका सेंसर लॉक, जहाँ पे आपको आई सेंसर भी दिया हुआ है, जहाँ पे आपको कार्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे बेल के लिए भी एक अलग ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड बात करें तो कोडिंग की, तो कोडिंग में भी आप यहाँ पे इजीली अपना कोड डाल के विदाउट की को कैरी करके आप इजीली यहाँ पे अपने डोर को अनलॉक कर सकते हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ अपने फ्लैट के इंटीरियर में। तो आ गए हम अपने लग्जरी फ्लैट 5 BHK के लग्जरी फ्लैट के इंटीरियर में, जहाँ की स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तो स्कर्टिंग के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर आपकी एक लाइट ग्रे की एक बड़ी अच्छी टाइल, उसको हाईलाइट करने के लिए हाई ग्लॉस ब्लू के अंदर एक स्कर्टिंग, और बीच में भी प्रॉपर फ्लोरिंग को यूज़ ना करके उसने भी डिज़ाइनिंग पार्ट में एक आउटलाइनिंग के लिए हाई ग्लॉस के बड़े अच्छे कंसेप्ट में फ्लोरिंग को डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आपकी टाइलिंग की लुक को टाइल की प्लेसमेंट के साथ अगर बनाएं तो एक काफ़ी अच्छा बेटर लुक देते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, फ्लैट्स में आए हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर की। तो ये सबसे खूबसूरत जो मुझे इस फ्लैट में लगा, जो हमने जिसके हमने बात करी थी मंदिर के लिए, तो ये आपके एंट्रेंस पे एक मंदिर की बहुत अच्छी लुक, जहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग में फुल ग्रेनाइट को यूज़ ना करके नैनो को, फुल बॉडी नैनो को यूज़ करके एक प्योर प्लेन लाइट से क्रीम के अंदर हल्की लाइटनिंग्स को यूज़ करके ऊपर एक हल्का प्यारा झूमर यूज़ करके यहाँ पे मंदिर को डिज़ाइन किया हुआ है। तो जहाँ पे जब भी हम इस फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे अपने भगवान जी की, सबसे पहले हम देखेंगे अपने मंदिर की तरफ, तो बहुत अच्छी लुक। और उसके साथ साथ स्टोरेज की भी कमी नहीं दी हुई है, प्रॉपर आपकी प्रॉपर डीको पेंट की फिनिशिंग के साथ जो इस अलमीरा को डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर मैं सनमाइका की बात करूं तो वहां से हट के डीको पेंट की जो लुक है वो वाकई बहुत अच्छी निकल के आती है। तो स्टोरेज की कहीं भी इशू, कहीं से भी, कहीं तक भी आपको स्टोरेज का इशू मंदिर में भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था हमारा मंदिर, जो एंटर करते ही गेट से आपको निकल के आता है। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं हमारे ड्राइंग रूम की तरफ। 5 BHK का फ्लैट है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ड्राइंग रूम। इतना अच्छा और स्पेशियस ड्राइंग रूम, जहाँ पे फ्लोरिंग की हर एक टाइल के रेशे आपके दूसरी टाइल के साथ मैच करते हुए निकल के जाते हैं। सेकंड, अगर मैं स्कर्टिंग की बात करूँ तो वही हाई ग्लॉस की स्कर्टिंग निकल के आती है, जहाँ पे आपकी हाई ग्लॉस की और लाइट ग्रे के जो कॉम्बिनेशंस है वो कहीं ना कहीं आपके फ्लोरिंग की लुक को एक नेक्स्ट लेवल के अंदर लेके जाते हैं। तो इसमें प्राइसिंग का इशू नहीं आता, प्राइसिंग में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं, या अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया, लेकिन हल्की कॉस्टिंग को ऐड करके आप अपनी फ्लोरिंग को एक अच्छे लेवल पे डिज़ाइन कर सकते हैं, हाई ग्लॉस की टाइल्स को स्कर्टिंग में और एक आउटलाइनिंग में यूज़ करके। अब हम बात करते हैं टीवी पैनल यूनिट की। ज़्यादातर हमने टीवी पैनल यूनिट्स क्या देखते हैं, लोवर्स देख लेते हैं या सनमाइका लगी हुई देख लेते हैं, लेकिन जो डीको फिनिश की जो लुक है टीवी पैनल की, ये है आपका बड़ा सा LCD पैनल के लिए एक टीवी ब्लॉक, जहाँ पे आपको एक अच्छी खासी अलमीरा की डेकोरेटिव आइटम्स में लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। निकी निकी सी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी वाइट लाइट्स, जो कि वार्म लाइट्स, जो कि आपकी चीज़ों को, आपके LCD पैनल के सराउंडिंग्स की चीज़ों को हाईलाइट करती है। फिर हम बात करें तो ज़्यादा एक अच्छी डिज़ाइनिंग का पर्सपेक्टिव ये है कि हम ज़्यादा ना भर के एक अच्छे से लुक को देखें, और उस पर डीको पेंट की फिनिशिंग के साथ जो इसमें लुक निकल के आती है ये ज़बरदस्त है। मेरे 3.5 साल के एक्सपीरियंस में जो ये फ्लैट है वो सबसे ज़बरदस्त है। वो क्यों है, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों को लेके कुछ नयापन देखने को मिलता है, जहाँ पे डीको की फिनिशिंग मिल जाती है। स्लैब की बात करें तो फुल बॉडी नैनो की क्रीम की एक अच्छी खासी स्लैब की यूनिट मिल जाती है। नीचे की बात करें तो स्पेशियस के बिहाफ पे हर एक अच्छे अलमीरा के छोटे छोटे निके निके से पोर्शन, जहाँ पे आपका स्पेस भी निकल के आता है, डीको पेंट की फिनिशिंग निकल के आती है। और अगर मैं नॉब्स की बात करूँ तो ये देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि सिंपली आपको नॉब्स दे दिया, कोई डाउट दे दिया, एक बड़े प्यारे से, सूदिंग से आपकी डिज़ाइनिंग को
एड ऑन करते हुए एक छोटे छोटे से हैंडल्स निकल के आते हैं। अब इसी के साथ मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा बड़े स्पेस का यूपीवीसी डूर। अब यूपीवीसी के अंदर ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, ग्रे कलर ही देखते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रॉपर वुडन टेक्सचर का आपको यूपीवीसी डोर मिल जाता है, जहाँ पे तीन आपके पैनल्स मिलते हैं, जहाँ पे ग्लास पैनल है, जहाँ पे नेट पैनल है, और इसी के पार्टीशन के साथ आपका जो यूपीवीसी डोर है ये आपकी इस फ्लैट को लग्जरी बनाता है। और हल्के नॉर्मल फ्लैट से आपके लग्जरी फ्लैट के अंदर क्या डिफरेंस है, यही सब चीज़ें आपकी फ्लैट में ऐड ऑन करता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ फॉल सीलिंग की तरफ। फॉल सीलिंग में हमने ज़्यादातर क्या देखा कि डाउन फॉल सीलिंग होगी, लास्ट में आपकी बाउंड्रीज पे लाइट्स होगी, नहीं, यहाँ पे लाइट्स के साथ साथ एक बीच में जो लोवर्स की लुक ऐड ऑन करके एक आपकी जो एक जो लाइट की जो सिप दी हुई है, एक आपकी प्रोफाइल लाइट आपके चारों तरफ घुमाई हुई है, जो आपकी फॉल सीलिंग की लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस करते हैं। अब मैं बात करूँ अगर इसकी प्राइसिंग, तो कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट सही जगह पे सही प्राइसिंग में और सही अमाउंट में यूज़ करके आपके इंटीरियर की क्वालिटी को ये इंक्रीज़ करता है। तो ये था आपका ड्राइंग रूम, ये था आपका LCD पैनल, और ये थी आपकी ड्राइंग रूम की एंडलेस 32x64 की टाइल्स, वो भी हाई ग्लॉस के साथ। आइए मैं लेके चलता हूँ बालकनी से, फिर अपन अलग रूम में चलते हैं। यहाँ से हम आ गए अपनी बालकनी की तरफ, अच्छे खासे स्पेस की बालकनी। फ्लोरिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको फ्लोरिंग पे कहीं जॉइंट भी नज़र आएगा कि हमने किस स्पेस की टाइलिंग बालकनी पे लगाई हुई है। स्पेशली हमें बालकनी की टाइल्स में यही देखना होता है कि आपकी वो एंटी स्किड हो, ऐसा ना हो कि वो पैर स्किड करे, बारिश के मौसम हो या कोई पानी गिरे तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपका कोई पैर स्लिप कर रहा है, आप गिर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आपको ये फ्लोरिंग मिलती है। वॉल की बात करें तो प्रॉपर हाई डीप, इसे हाई डीप टाइल्स बोलते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स ही नज़र नहीं आते। आपका ये पता लगा पाना कि ये किस साइज़ की टाइल है, यही इसकी ब्यूटी को और इसकी प्राइस बर्थ को बढ़ाता है। तो ये था आपका बालकनी का बड़ा अच्छा स्पेस। अब मैं लेके चलता हूँ इसी के साथ अटैच एक सर्वेंट रूम या एक स्मॉल रूम, जहाँ पे एक अच्छे खासी UPVC डोर को यूज़ किया हुआ है सेम क्वालिटी के साथ, और आपकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करके और ये हम आ गए हैं हमारे स्मॉल छोटे से निक्के से बालकनी के साथ अटैच रूम में। सेम आपका इसमें भी एक अच्छे खासे साइज की विंडो, UPVC विंडो, वही वुडन फ्रेम में, जहाँ पे इसकी लुक और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है और हम इस स्पेस को मल्टीपर्पज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बालकनी के साथ अटैच है, अच्छा खासा स्पेस है, अच्छी खासी टाइलिंग है, अच्छा खासा आपका UPVC का स्पेस है, विंडोज़ हैं, तो ये भी आपके इंटीरियर को, आपकी बालकनी के स्पेस को थोड़ा सा एनहेंस करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट रूम की तरफ, जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आइए लेट्स गो। अगेन आपके स्पेस के लिए अच्छी खासी UPVC की विंडो और डोर, उसके बाद फॉल सीलिंग की बात करें तो हल्की कॉप लाइटिंग को यूज़ करके, आपकी हल्की डिज़ाइन पार्ट को यूज़ करके अच्छी खासी फॉल सीलिंग। वार्डरोब की बात करें तो इसमें भी एक छोटी सी वार्डरोब आपको मिल जाती है, जो कि स्पेस में आपकी काफ़ी स्पेशियस है। इसी के साथ आपको मिल जाता है एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा बाथरूम, जहाँ पे आपके डोर को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो लाइट क्रीम के अंदर पूरी वॉल्स को एंडलेस में कंसेप्ट में डाला हुआ है। सेकंड फ्लोर की बात करें तो इसी के एक कंसेप्ट में जिगजैग पार्ट को देखते हुए एक अच्छी खासी टाइलिंग, जहाँ पे हमारी टॉयलेट शीट भी है, हमारा बाथ शावर भी है और हमारी वैनिटी भी है। तो हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं इसके अंदर कवर करके एक अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ आपका फर्स्ट रूम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए मैं लेके चलता हूँ अपने सेकंड रूम की तरफ। रूम से पहले क्यों ना हम किचन देख लें, पहले किचन देख लेते हैं। सबसे प्यारी कुछ अलग ये है हमारी किचन, जहाँ पे फ्लोरिंग को नॉर्मल टाइल ना देके आपकी काइट पैटर्न के अंदर 8 इंच की पैटर्न्स को यूज़ करके एक अच्छी खासी डिज़ाइनिंग, जो कि आपकी ड्राइंग रूम और किचन के पार्ट को देखते ही कुछ अलग सा डेलिकेटेड सा निकल के आता है। ये है हमारी बहुत ऑफ वाइट सी क्रीम सी में एक बड़ी प्यारी सी किचन, जहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, यू टाइप की आप इसे किचन बोल सकते हैं। आपका जो वॉशिंग एरिया है वो आपकी मेन स्लैब से अलग हो जाता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर डिश वॉशर वो भी हिंदर ब्रांड का मिलता है। तो उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये आपका प्रॉपर होब है, ये आपकी हिंदवेयर की चिमनी है। ब्लॉक्स की बात करें तो अच्छे खासे स्पेस में आपको अच्छा खासा स्पेस हर एक पार्ट पे देखने को मिलता है, जहाँ पे किचन में स्पेस में कोई कमी नहीं रहने वाली है। और डिज़ाइनिंग की बात करें तो इस प्रोफाइल लाइट के साथ
इस डिज़ाइनिंग को यू टाइप में कन्वर्ट करके एक अच्छी डिज़ाइनिंग कहीं ना कहीं आपको इस फ्लैट में देखने को मिलती है। अब इस किचन में अलग क्या है ये भी आप पूछ सकते हैं। डिशवॉशर तो आप भी नॉर्मल देखा ही होगा, आपने होप भी देखे हैं, चिमनी तो कॉमन सा है। अगर इसके अंदर नया क्या है, इसके अंदर नया है आपके स्पेस को चुरा के एक अच्छा खासा स्पेस देने की बात। ये देखिए आपकी नॉन वर्किंग स्लैब्स में जब आपके स्पेस को यूज़ करके एक हिडन पार्ट में आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। डिज़ाइनिंग पार्ट पे देखें तो स्पेस अच्छा मिल गया, डिज़ाइनिंग अच्छी मिल गई, कलर कॉम्बिनेशंस की तो लाजवाब बात है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे के स्पेस को यूज़ किया हुआ है, ये यूज़ नहीं किया हुआ, ये हमने डिज़ाइनिंग पार्ट पे इस स्पेस को चुराया हुआ है, जहाँ से हमें स्पेस भी मिलता है, डिज़ाइनिंग भी मिलती है और लुक तो आप लोग देख ही रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करूँ इसकी मतलब एक और ऐड ऑन करने के लिए क्या किया हुआ है, आपका प्रॉपर माइक्रोवेव यूज़ किया हुआ है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्पेस की बात करें तो नीचे के अंदर भी प्रॉपर एक यूनिट के अंदर पर प्रॉपर एक स्लैब सी हुई है, जहाँ पे यूनिटेक्स की प्रॉपर आपकी यूनिटेक का प्रॉपर कब्जे दिए हुए हैं, जहाँ पे आप इजीली उसको बंद करेंगे तो इजीली आपका वो क्लोज आउट हो जाता है। तो ये थी आपकी मॉडुलर किचन, जहाँ पे मॉडुलर किचन सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपका डिशवॉशर भी है, आपका ओवन भी है, आपकी बेकरी यूनिट भी है, आपके स्पेस को चुरा के एक अच्छी लुक भी दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ही आपकी चीज़ों को बनाता है। हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट रूम की तरफ। फर्स्ट रूम में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो टाइलिंग हमने बात कर लिया, जो हम सेम चल रहा है। ऊपर की बात करें तो आपकी फॉल सीलिंग के अंदर आपकी लूवर्स और लाइटनिंग को यूज़ करके एक अच्छा खासा कुछ नयापन की लुक आपके इसके अंदर देखने को मिलती है। इसी की मैं वार्डरोब्स की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल सनमाइका लगा दी है, प्रॉपर डबल टोन की सनमाइका को पी यू फिनिश को यूज़ करके एक अच्छी खासी फिनिशिंग में हर एक स्पेस को चुरा के एक अच्छी खासी अलमीरा और वार्डरोब आपको देखने को मिलती है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बाथरूम में, तो बाथरूम भी किस हिसाब से लग्जरी होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट बाथरूम, जहाँ पे आपको ग्लास पैनल की यूनिट मिल जाती है। बात करें तो प्रॉपर आपको एक शावर पैनल का यूनिट, जहाँ पे टाइलिंग की बात करें तो कार्विंग टाइलिंग की प्रॉपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग के पार्ट पे हर एक वॉल को एक अच्छी खासी गेटअप की लुक दी हुई है। और मैं वॉश बेसिन की बात करूँ तो एक लंबी स्लैब के अंदर आपको एक बड़े मिरर के साथ इसी चीज़ों के साथ आपके बाथरूम को नॉर्मल बाथरूम से लग्जरी बाथरूम में कन्वर्ट करता है। आइए मैं इसके साथ भी बड़ी निक्की सी बालकनी है जो उसको भी कवर करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ये जो रूम है वो कैसे स्पेशल होने वाला है। आइए तो आ गए हम अपनी सेकंड बालकनी की तरफ। सेम आपकी फ्लोरिंग के अंदर वही एंडलेस स्टाइल, जिसके अंदर आपका जॉइंट का पता नहीं चलता। वॉल की बात करें तो वॉल पे भी एक हाई डेफिनेशन की प्रॉपर वही टाइलिंग, जहाँ पे एक इस तरीके की डिज़ाइनिंग को यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे बता पाना कि जॉइंट्स कहाँ हैं टाइल के अंदर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ से आपकी जो टाइलिंग वर्थ है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। बात करें रेलिंग की तो प्रॉपर SS की रेलिंग के साथ आपको ग्लास की पैनल यूनिट मिल जाती है, जो कि आपकी बालकनी की लुक थोड़ी सी और एनहेंस करता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अब थर्ड रूम की तरफ। हम आ गए हैं अब थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम के अंदर क्या एक्साइटमेंट होने वाली है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉल सीलिंग की बात करें तो एक हल्का पैटर्न और बीच में स्क्वायर ब्लॉक, जहाँ पे आपका फैन आ गया है। AC यूनिट्स की पाइपिंग प्रॉपर हर एक रूम के अंदर, हर एक ड्राइंग रूम के अंदर अलग से सेपरेट दी हुई है, जहाँ पे आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सारी छोटी चीज़ें अगर आप अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हैं तो ध्यान भी रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में तोड़फोड़ से जो डिज़ाइनिंग ख़राब होती है उसकी भरपाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपकी वार्डरोब्स एक हर एक पार्ट के अंदर, हर एक रूम में हमने कुछ नयापन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी डबल चीज़ों को यूज़ करके, प्रॉपर हाई ग्लो सनमाइका को यूज़ करके एक अच्छी खासी डिज़ाइनिंग की एक बड़ी सी वार्डरोब आपको यहाँ देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको बालकनी में जाने का पॉइंट मिलता है, और ये है हमारी तीसरी बालकनी, जहाँ से आपका प्रॉपर एक वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है, जो आपकी बालकनी की क्वालिटी को और आपके रूम के साथ अटैच की बालकनी की एक मस्ती को, एक फ्रेशनेस को हर सुबह और हर एक शाम में आपको देखने को मिलती है। आइए मैं लेके चलता हूँ इसके भी नॉर्मल बाथरूम से हट के लग्जरी बाथरूम की लुक की तरफ। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर भी हमें वॉल की बात करें तो प्रॉपर आपकी हाई ग्लोस प्लैंक स्टाइल्स, जो कि वी ग्रूव के अंदर करी हुई है,
इस वी ग्रूव से आपकी एक तो वेस्टेज खत्म हो जाती है, सेकंड जो ये लुक आपको डबल टोन में ब्लू एंड वाइट के अंदर या ब्लू एंड ग्रे के अंदर जो निकल के आती है वो बड़े लाजवाब तरीके से देखने को मिलती है। हम बात करें इसके शावर पैनल की तो प्रॉपर एक ग्लास पैनल का कंप्लीट यूनिट जहाँ पे जैगुआर की फिटिंग्स, अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग पे आपका अच्छा खासा शावर मिल जाता है। वहीं बात करें तो टॉयलेट शीट का एक अलग सेपरेट यूनिट और यहाँ पे एक हल्का सा निका सा एक वॉश बेसिन जो वैनिटी के साथ निकल के आता है। तो ये है आपका यूनिट जहाँ पे बाथरूम को नॉर्मल बाथरूम से लग्जरी बाथरूम में कन्वर्ट करता है। आइए मैं लेके चलता हूँ फोर्थ रूम की तरफ। तो फोर्थ रूम के अंदर भी वही नॉर्मल आपकी अच्छी खासी पोल सीलिंग मिल जाती है, एक अच्छी खासी लुक और उसके साथ एक कुछ नए टाइप में डिजाइनिंग में डबल टोन के अंदर वार्डरोब की यूनिट। और इस रूम में भी बालकनी है। तो हमने अब तक जितने भी रूम देखे हर रूम के साथ हमें बालकनी का एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलता है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी बालकनी की तरफ। तो किसी को भी वेंटिलेशन का इशू नहीं रहने वाला, किसी को भी ये नाराज़गी नहीं रहने वाली कि इस रूम में बालकनी है इस रूम में बालकनी नहीं है। हर एक रूम में कहीं ना कहीं आपको बालकनी के अटैचमेंट्स और उसके साथ एक अच्छी खासी फ्रेशनअप की लुक आपको इसमें देखने को मिलती है। कर लिए फिफ्थ रूम में। इस रूम में हमें बालकनी तो नहीं मिलेगी लेकिन आपके फ्रेशनअप के लिए एक बड़े साइज़ की UPVC विंडो जो कि वुडन कलर में तीन पैनल यूनिट के साथ आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपके इस लुक को थोड़ा सा एनहेंस करता है। वार्डरोब की बात करें तो इसके अंदर भी आपका कुछ अलग टोन में अलग सनमाइका को यूज़ करके अलग कंटेंट्स को यूज़ करके आपके इस रूम में भी फ्रेशनर की फीलिंग आपकी मेंटेन रहती है। आइए मैं लेके चलता हूँ इसके बाथरूम की तरफ। तो इसके बाथरूम में भी कुछ आपको अलग डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। जैसे ही मैंने इस बाथरूम में एंटर किया तो प्रॉपर पेंसिल की यूनिट के साथ टाइल्स के कटआउट पार्ट को यूज़ करके अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा फ्रेशनअप सा लुक जहाँ पे ग्लास पार्टीशन मिल जाता है, जहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है, जहाँ पे आपको शावर मिल जाता है और जहाँ पे आपको बाथरूम की टाइलिंग के अंदर बाथरूम के लुक के अंदर नॉर्मल या नॉर्मल सी स्टैंडर्ड सी लुकिंग ना देखे अच्छी खासी डिज़ाइनिंग पार्ट को यूज़ करके एक अच्छा खासा लुक मिल जाता है। तो ये था हमारा फिफ्थ रूम जिसके साथ बाथरूम अटैच था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के कॉमन बाथरूम की तरफ जो कि सबसे ज़्यादा लग्जरी मुझे फील होता है और हो सकता है कि अब आपको भी हो। आइए, ये है हमारा कॉमन वॉशरूम जहाँ पे हमने लाइट ग्रे ट्राजो कलर को यूज़ करके एक अच्छी खासी वॉल को डिज़ाइन किया हुआ है। सेकेंड बात करें शावर पैनल के पार्टीशन में तो ब्लैक एंड वाइट की टाइल्स को यूज़ करके पतंग चाल जिसे हम काइट साइल भी बोलते हैं अच्छी खासी एल टाइप के काइट साइल के अंदर जो इस वॉल को हाईलाइट करता है और यही कुछ चीज़ें जो हैं जो आपके नॉर्मल बाथरूम को लग्जरी बाथरूम के अंदर डिफाइन करता है। तो कैसा लगा आपको ये बाथरूम? अच्छा लगा ना? तो क्योंकि अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि वाकई इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी है और जिस हिसाब से इस चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है यही सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्हीं चीज़ों की प्लेसमेंट की वजह से आपका जो घर है वो नॉर्मल घर से हट के आपके ड्रीम हाउस की तरफ कन्वर्ट करता है या फिर बात करें तो लग्जरी हाउस की तरफ कन्वर्ट करता है। ये है हमारा डाइनिंग का स्पेस। इस डाइनिंग स्पेस में भी प्रॉपर वही जो आपका ड्राइंग रूम के पार्ट में जहाँ पे आपकी लाइटनिंग को नॉर्मल लाइट ना देके आपकी फॉल सीलिंग में भी आपके लोवर्स को यूज़ करके प्रोफाइल लाइट्स को यूज़ करके एक काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिलती है। तो ये था हमारा लग्जरी फ्लैट, ये था हमारा ड्रीम हाउस, ये था हमारा ड्रीम होम। और इसी तरह की लग्जरी वीडियोज़ जो हैं ये आपको मुझे लगता है कि मोटिवेट करती हैं आपके घर को थोड़ा सा इंटीरियर के बिहाफ पे एजुकेशन देने के लिए, आपको हिंट देने के लिए और आपके आइडियाज़ को और आपके ड्रीम्स को थोड़ा सा और बड़ा बनाने के लिए कि कैसे आप छोटी छोटी टाइलों को छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके ऐड ऑन करके जहाँ पे पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते, जहाँ पे आपकी अगर मैं बात करूँ तो टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होता लेकिन आपका जो हाउस है वो ड्रीम हाउस की तरफ निकल के आता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो इसके अंदर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।